प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, अगेन वेटेज 4 to 5 मार्क्स का रहेगा, वेरी इजी चैप्टर, वेरी स्मॉल चैप्टर। इंट्रोडक्शन है पहले, व्हाट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो दिस चैप्टर डील्स विद ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, जिसमें से ऑपरेशन का मतलब होता है व्हेन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड इन एनी मैनर व्हिच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मेंबर्स और द कंपनी, मतलब किसी के भी खिलाफ उसके जो अफेयर्स है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। एंड मिसमैनेजमेंट, तो व्हेन एनी मटेरियल चेंज हैज टेकन प्लेस इन द मैनेजमेंट और द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, मतलब या तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह चेंज हो गए या उसका शेयर होल्डर जो कंट्रोलर था वो चेंज हो गया। एंड सच चेंज इज लाइकली टू मेक द अफेयर्स ऑफ द कंपनी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और द मेंबर्स। तो चेंज के वजह से ये जो अफेयर्स होंगे वो वापस अगेंस्ट द पब्लिक या मेंबर्स हो जाएंगे। तो दैट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। इसके लिए आपको रेमेडी मिलती है ये चैप्टर में। बट बिफोर दैट, नॉर्मल एक कंपनीज एक्ट, ये कॉर्पोरेट लॉज जैसे वर्क करता है, उसका एक रूल है कि यूजुअली इन अ कंपनी शेयर होल्डिंग इज इक्वल टू पावर, मतलब जितना ज्यादा शेयर होल्डिंग आपके पास रहेगा उतने पावरफुल आप रहोगे एंड विच इज लीगल। तो एग्जाम्पल ऐसा लेंगे, ABCD लिमिटेड है, उसमें 7 शेयर होल्डर्स है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 चाहिए होते हैं। तो 7 में से ऐसा एग्जाम्पल था कि गैरी, हैरी एंड जेरी, ये 3 लोग हैं। अगर आप नंबर्स देखो तो 7 में से 3 है, ये 3 out of 7, बट उनका होल्डिंग है 20, 20 एंड 49%, मतलब 89% होल्डिंग इनके पास। तो दीज आर 3 out of 7, बट इनका जो होल्डिंग है दैट इज 89% out of 100, मतलब 100 शेयर में से 89 ये लोग ने होल्ड किया रहेगा। एंड अगर बाकी 4 लोग देखो, मैरी, चेरी, पेरी और टेरी, दीज आर 4 out of 7 इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट इनका जो होल्डिंग है 1, 4, 2, 4, तो 11% ही होता है सिर्फ आउट ऑफ 100। तो ये जो 3 लोग हैं जिसमें शेयर होल्डिंग जो है 89 हो रहा है, दीज 3 विल बी पावरफुल एंड दीज 3 कैन पास ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन विदाउट हियरिंग द वॉइस ऑफ माइनॉरिटी। क्योंकि माइनॉरिटी जो भी बोले, 11% तक ही वो लोग ना बोलेंगे ना, 89% लोग तो हाँ ही बोलने वाले। सो विदाउट हियरिंग द वॉइस ऑफ माइनॉरिटी ये लोग रूल करने वाले कंपनी। तो नेक्स्ट पॉइंट वही बोलता है कि कॉर्पोरेट लॉज वर्क दिस वे, मेजॉरिटी इज रेकन्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग परसेंटेज एंड नॉट एज पर द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। मतलब आपको नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देख के मेजोरिटी नहीं देखनी होती है, आपको शेयर होल्डिंग परसेंट देख के पता चलेगा कि मेजोरिटी क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट है रूल ऑफ मेजोरिटी और फॉस वर्सेस हार्बॉटल। एक लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें कोर्ट ने बताया था 2 चीज। पहला उसने बोला था, द वंस हु होल्ड मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स शैल रूल द कंपनी। ये बाय डिफॉल्ट है, बिकॉज वो लोग मेजोरिटी शेयर होल्डर है, उन्होंने इतना पैसा दिया रहेगा टू अक्वायर शेयर्स, इसके लिए वो लोग रूल करेंगे। सेकेंड, इफ द प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स मिसअप्लाइड और मिसअप्रोप्रिएटेड एसेट्स, देन इट इज अ केस ऑफ प्रमोटर वर्सेस द कंपनी, दैट इज कंपनी कैन सू द प्रमोटर्स, अदर शेयर होल्डर्स कांट सू द प्रमोटर्स। इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये कंपनी की जो प्रॉपर्टी है अगर उसको मिसअप्लाई किया गया है तो इट इज अ केस ऑफ कंपनी वर्सेस द प्रमोटर्स, जिसने भी इसको मिसअप्लाई किया, प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स व्हाटएवर। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई मेंबर कोई प्रमोटर को सू कर रहा है। इवन दो अगर किसी ने मिसअप्लाई किया या मिसअप्रोप्रिएट किया एसेट्स, तो किसका एसेट्स था, वो कंपनी के नाम पे था ना, तो कंपनी मस्ट सू द प्रमोटर, ये ऐसा बोला है। बट ऑफ कोर्स कोई कोई केस में, एक्सेप्शंस में, ये कंपनी के बदले यहाँ पर मेंबर्स होंगे जो दूसरे मेंबर्स या दूसरे किसी प्रमोटर को सू कर सकते हैं, तो वो एक्सेप्शंस नीचे लिखे हैं। तो इन ऑल देर आर 4 एक्सेप्शंस टू दिस रूल। पहला एक्सेप्शन है अल्ट्रा वायर्स और इलीगल एक्ट्स। अगर ऐसा कुछ तो भी हो रहा है तो मेंबर्स कैन सू द प्रमोटर्स और अदर मेंबर्स, फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ कंपनी सू कर सकते हैं। सेकेंड, अफेक्टेड राइट्स ऑफ पर्सन्स, कोई भी पर्सन का राइट अफेक्ट हो रहा है, जैसे हम आगे देखेंगे किसी का स्टेटस मेजोरिटी था और आपने उसको माइनॉरिटी बना दिया वगैरह वगैरह, तो अगेन द मेंबर्स कैन सू। फिर फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, तो जो भी मेजोरिटी शेयर होल्डर्स कर रहे हैं वो पावर है उनके पास, दे विल डू, बट इफ दे आर डूइंग सम फ्रॉड, अगर कोई अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऐसा हो रहा है जो डेट्रीमेंटल है किसी के इंटरेस्ट के लिए, तो अगेन मेंबर्स कैन सू। अपने सिलेबस में सिर्फ थर्ड वाला है, फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी।
एंड फोर्थ वाला जो एक्सेप्शन है, इफ यू रिमेम्बर ऊपर अपन ने देखा कि दोज हु होल्ड मेजोरिटी शेयर्स, ये जिसने भी मेजोरिटी शेयर होल्डिंग रखा वो रूल करेगा कंपनी को, तो ऐसा नहीं है एक केस में. एक केस है जैसे कि ट्रांजैक्शन रिक्वायरिंग स्पेशल मेजोरिटीज, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट. अमालगमेशन वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि कभी कभार ऐसा होता है यू नीड मेजोरिटी इन नंबर ऑफ मेंबर्स एज वेल एज एटलीस्ट 75% इन वैल्यू. तो अब ये केस में यू कांट से कि हमेशा मेजोरिटी शेयर होल्डिंग परसेंटेज वाले लोग ही रूल करेंगे, बिकॉज नाउ यू नीड मेजोरिटी इन नंबर्स ऑल्सो. मतलब के अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में अपन ने देखा कि 3/7, 3 out of 7 पीपल हेल्ड मेजोरिटी एंड 4 out of 7 हेल्ड माइनॉरिटी. तो अब कोई कोई ट्रांजेक्शन में आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए जिसमें मेजोरिटी इन नंबर्स भी चाहिए, मतलब ये जो 3 out of 7 है मेजोरिटी होल्डर है ये लोग अकेले डिसाइड नहीं कर पाएंगे बिकॉज 3 out of 7 है मेजोरिटी में, यू माइट नीड 4 out of 7. तो कोई कोई ऐसे केसेस आएंगे जिसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती. ऑपरेशन क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, तो पहले ही एक केसेस का टेबल है. फर्स्ट है नॉट कॉलिंग अ जनरल मीटिंग एंड दस कीपिंग द शेयर होल्डर्स इन डार्क. शेयर होल्डर्स को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, जनरल मीटिंग नहीं होल्ड करते हो तो दैट विल बी ऑपरेशन. डिप्राइविंग अ मेंबर ऑफ राइट टू डिविडेंड, मतलब के नॉट पेइंग डिविडेंड, डिक्लेयर कर दिया बट पे नहीं कर रहे हो उसको, तो ये हो गया ऑपरेशन. फिर थर्ड है नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो दैट इज नॉट ऑपरेशन. एंड डिक्लेयरिंग लो डिविडेंड्स इज अगेन नॉट ऑपरेशन. मतलब के डिविडेंड डिक्लेयर करना जो होता है, प्रपोज करना या डिक्लेयर करना, वो ऑप्शनल होता है. इट इज नॉट कंपल्सरी कि इक्विटी के ऊपर आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना ही होता है. या इट इज यू नो नॉट अ वायोलेशन कि अगर तुम कम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो कोई बात नहीं, ये दोनों ऑपरेशन नहीं माना जाएगा. फिर नेक्स्ट है नॉन मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, कॉमा नॉन कंडक्टिंग अफेयर्स, नॉट कंडक्टिंग अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. मतलब ये एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो या आप स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन नहीं कर रहे हो तो दैट विल बी ऑपरेशन. फिर रेफ्यूजल टू ट्रांसफर शेयर्स और रजिस्टर द ट्रांसफर्स, मतलब कोई आपको बोल नहीं सकता है कि भाई तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स, अगर कोई आपको बोल रहा है तो दैट इज ऑपरेशन. सिमिलरली रजिस्टर नहीं कर रहा है ये कंपनी ट्रांसफर, अगर ए को बी को शेयर्स बेचना है, ए हैज टू सेल शेयर्स टू बी, तो बीच में कंपनी जो है उसको ये ट्रांसफर को रजिस्टर करना पड़ता है एंड देन वो बी को आगे जाने वाला. तो जो ओनर ए था, अब ए का नाम हटके बी का नाम ओनर आना चाहिए. ये कभी होता है व्हेन द कंपनी रजिस्टर्स अ ट्रांसफर, बट वो करने से मना कर दिया तो दैट इज ऑपरेशन. इशूइंग शेयर्स टू बेनिफिट अ सेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स, फॉर एग्जाम्पल अगेंस्ट द माइनॉरिटी होल्डर्स. तो अगर एक सेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स को अगर आप शेयर्स अप्लाई करते हो या शेयर्स इशू करते हो फॉर देयर बेनिफिट तो दैट विल बी ऑपरेशन. फिर नेक्स्ट है कंपनी इज मेकिंग लॉसेस कंटिन्यूअसली, तो दिस इज नॉट ऑपरेशन पर से. मतलब के मियरली बिकॉज द कंपनी इज मेकिंग लॉसेज यू कांट से ऑपरेशन है, आपको और भी फैक्ट्स देखने होंगे. फिर और भी है थोड़े, इनएफिशिएंट कंडक्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं, अगेन नॉट ऑपरेशन. ये इससे आपको शेयर होल्डर्स को कोई भी अफेक्ट नहीं होता है, अगर ज्यादा अफेक्ट होता है तो नेक्स्ट टाइम इसको चूज मत करना या इसको आप रिमूव कर दो. नॉन होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, अगेन बोर्ड मीटिंग्स होल्ड हो रही है या नहीं हो रही है उससे शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट वोंट बी ऑपरेशन. लैक ऑफ डिटेल्स इन नोटिस ऑफ मीटिंग्स, जब आप नोटिस देते हो तो थोड़ा बहुत डिटेल ऊपर नीचे हो गया या ओमिट वगैरह हो गया, कोई बात नहीं, दैट इज नॉट ऑपरेशन. एटलीस्ट आपको नोटिस मिला, आपको पता है ना मीटिंग कहाँ पर है, तो आप मीटिंग में जाके देख लो क्या होने वाला है. इंक्रीज वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर्स विच आर हेल्ड बाय द मैनेजमेंट, तो नॉर्मली क्या होता है मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा होता है तो दे कैन इंक्रीज देयर ओन वोटिंग राइट्स, वो ऑपरेशन नहीं होता है. बट अगर आपने किसी के वोटिंग राइट्स कम कर दिए पर्पसली, कोई माइनॉरिटी था उसके वोटिंग राइट्स कम कर दिए, दैट विल बी ऑपरेशन. एंड इसमें एक और एक्सेप्शन है जो नेक्स्ट पेज पे लिखा है कि अगर किसी का वोटिंग राइट पहले मेजॉरिटी था और अब उसको आपने माइनॉरिटी बना दिया पर्पसली तो वो ऑपरेशन माना जाएगा, तो ये केस में वो ऑपरेशन माना जाएगा. सिमिलरली किसी का वोटिंग राइट कम कर दिया वो भी ऑपरेशन माना जाएगा. फिर थोड़े कमर्शियल डिसीजन है जैसे कि राइटिंग ऑफ बैड डेट्स या अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन ऑफ एनी डीलर और सप्लायर या ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट बाय टू डायरेक्टर्स एंड नॉट बाय द थर्ड डायरेक्टर, ये सब कमर्शियल डिसीजन होता है, दीज आर नॉट ऑपरेशन.
चाहे कोई भी डायरेक्टर ऑपरेट करे, आफ्टर ऑल कंपनी के लिए ऑपरेट कर रहा है ना, एंड जो भी डीलर सप्लायर आप करो या राइट ऑफ करो बैड डेट्स वगैरह, दीज आर ऑल कमर्शियल अकाउंटिंग डिसीजंस, यहाँ पर ऑपरेशन नहीं बोल सकते। फिर और भी है कंडीशंस टू कंस्टिट्यूट ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन कहलाने के लिए ये कंडीशंस आपको देखने होंगे। पहला है पर्सन्स मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर फ्रॉडुलेंट टुवर्ड्स द मेंबर्स, मतलब मेंबर्स के टुवर्ड्स कुछ फ्रॉडुलेंट होना चाहिए। पर्सन्स मस्ट बी अफेक्टेड इन देयर कैपेसिटी एज अ मेंबर, अगेन कोई भी पर्सन अगर मेंबर है और उसको हर्ट हुआ है तो ही ऑपरेशन कहलाया जाएगा, अगर वो डायरेक्टर है और डायरेक्टर को हर्ट हुआ है तो वो ऑपरेशन नहीं कहलाया जाएगा। इट मस्ट बी रॉन्गफुल हार्श एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड इट मस्ट बी अ कंटिन्यूअस एक्ट अप टू द डेट ऑफ पिटिशन, जब तक ये पिटिशन फाइल कर रहे हो एनसीएलटी में तब तक ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। एक सिंगल एक्ट था तो नहीं चलेगा, जैसे कि केस लॉ में डिसाइड हुआ था, अ सिंगल एक्ट ऑफ रेंटिंग आउट प्रेमाइसेस ऑफ अ कंपनी विदाउट द नॉलेज ऑफ मेंबर्स इज नॉट ऑपरेशन, नीचे लिखा है इट इज नॉट ऑपरेशन, मतलब अगर ऐसा कोई भी एक्ट हुआ था, एक ही बार हुआ था वो पहले, तो दैट इज नॉट ऑपरेशन, एक कंटिन्यूअस एक्ट होना चाहिए। फिर एक एग्जाम्पल था मेजोरिटी टू माइनॉरिटी वाला, उसमें ऐसा है कि ए बी एंड सी आर डायरेक्टर्स एज वेल एज शेयर होल्डर्स एंड जो मिस्टर डी है ही इज ओनली अ शेयर होल्डर, मतलब ए बी सी डायरेक्टर एज वेल एज शेयर होल्डर एंड जो डी है वो सिर्फ शेयर होल्डर। तो ऐसा है कि ए ने 15 शेयर्स रखे, बी ने 15 शेयर्स, सी ने 15 शेयर्स एंड जो बचा है डी के पास 55 शेयर्स, ये करेंटली एग्जिस्टिंग है। तो ऐसे देखोगे तो ये ए बी सी का 15 15 15 होके 45% होता है एंड जो डी है अकेला वो 55% मेजोरिटी में आता है। नाउ क्या हुआ, तो ए बी एंड सी पास अ रेजोल्यूशन टू इशू मोर शेयर्स टू देमसेल्व्स, ये ए बी और सी के पास सिर्फ 45% है, तो उन्होंने क्या किया रहेगा, उन्होंने एक शेयर होल्डर मीटिंग बुलाई जिसमें वो तीन तो शेयर होल्डर है ही, डी को नोटिस ही नहीं दिया रहेगा, डी को बोला ही नहीं कि शेयर होल्डर मीटिंग है, तो डी को डार्क में रखा एंड ए बी और सी ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हम एक्स्ट्रा शेयर इशू करते हैं। तो उन्होंने ऐसे एक्स्ट्रा शेयर इशू किए कि अब ए का 20 हो गया, बी का 20 हो गया, सी का 20 हो गया, अब तीनों का मिला के 60 हो गए आउट ऑफ 115 किधर से आया, तो तीनों को +5 +5 हो गया, तो मतलब पहले जो 100 शेयर्स थे यहाँ पर टोटल अब वो 115 हो गया, तो 60 डिवाइड बाय 115 करेंगे तो 52% हो गया। अब डी को ऑटोमेटिकली माइनॉरिटी स्टेटस में शिफ्ट कर दिया। तो अगर ऐसा एक्ट होता है जिसमें किसी को मेजोरिटी से आपने डायरेक्ट माइनॉरिटी में डाल दिया तो दिस इज ऑपरेशन, इसको ऑपरेशन माना जाएगा। बट हाँ, अगर डी को पता है कि ऐसा हम कर रहे हैं, डी को अगर आपने बोल के किया, डी को भी मीटिंग में बुलाया था वगैरह, डी ने अग्री भी किया कि भाई ठीक है मेरे को मेजोरिटी से माइनॉरिटी बना दो, तो वो ऑपरेशन नहीं होगा बिकॉज डी न्यू अबाउट इट। तो डी को नहीं पता है इसके लिए ये ऑपरेशन माना जाएगा। फिर ऐसा भी एक केस हुआ था, इफ अ कंपनी शेयर होल्डर्स लैक कॉन्फिडेंस अमंगस्ट देमसेल्व्स लीडिंग टू सम इररेगुलरिटीज देन टू इट इज नॉट कॉल्ड एज ऑपरेशन, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर शेयर होल्डर है मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी एंड दे बोथ डोंट ट्रस्ट ईच अदर, मियरली बेस्ड ऑन दिस फैक्ट इट कैनॉट बी कॉल्ड एज ऑपरेशन। फिर ये मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जो भी यू नो शेयर होल्डर मीटिंग में स्पीच वगैरह देते हैं तो उसमें दे कांट से कि यार ये एक दूसरा शेयर होल्डर है जो यू नो थोड़ा बहुत ऑपरेसिव लग रहा है, थोड़ा बहुत फ्रॉडुलेंट लग रहा है, इसको निकाल दो, यू कांट डू दैट मियरली बिकॉज यू डोंट लाइक द मेंबर, यू शुड हैव प्रॉपर प्रूफ कि ये मेंबर की वजह से यू नो आपके ऊपर ऑपरेशन या कोई फ्रॉड हो। फिर एक और है, अ डायरेक्टर हु इज ऑल्सो अ मेंबर इज अग्रीव्ड ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ अदर डायरेक्टर्स, तो ये ऑपरेशन नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता, तो दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि भाई इनएफिशिएंसी ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है ना वो ऑपरेशन होता ही नहीं। सेकेंडली ये डायरेक्टर है एंड ये मेंबर है, अब इसको यहाँ पर जो यू नो पिंच हुआ है दैट इज बिकॉज ही इज अ डायरेक्टर एंड दूसरे डायरेक्टर्स काम नहीं कर रहे, तो यू आर ट्राइंग टू अप्लाई इन अ कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर, एज अ मेंबर तुमको कोई हर्ट नहीं हुआ इधर, दैट इज वाई इट इज नॉट ऑपरेशन। या एक और है, और ही इज गेटिंग लेसर रेम्यूनरेशन दैन अदर्स, अगेन दूसरे डायरेक्टर्स को कुछ रेम्यूनरेशन मिल रहा है तुमको थोड़ा कम मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, दैट इज नॉट ऑपरेशन अगेन। क्यों ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि he must be affected in the members capacity and not in a director's capacity, but iska ek exception last page pe, isme ek exception kya hai, to agar aap prove karte ho ki tum director plus member ho, matlab ki it is a composite complaint, agar ek complaint composite hai, sath sath mein tum ek quasi partnership run kar rahe ho,
व्हाट इज अ क्वासी पार्टनरशिप, तो एक कंपनी है, एक लिमिटेड कंपनी है, बट जो भी ऑपरेशंस वगैरह होता है वो पार्टनरशिप जैसा होता है. मतलब समझो तीन डायरेक्टर मेंबर है तो तीनों सब कुछ इक्वल रेशियो में करते हैं वगैरह वगैरह. अगर क्वासी पार्टनरशिप है एंड ये तीनों यू नो कंपनी को ओन करते हैं, कंपनी को कंट्रोल करते हैं, इफ यू प्रूव दैट देन योर कंप्लेन माइट बी एक्सेप्ट. ये लास्ट पेज पे केस लॉ है, उसमें देखेंगे. फाइनली द चैप्टर विल स्टार्ट सेक्शन 241, एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन केस ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ऐसा है कि भाई कभी ये आप रिलीफ क्लेम करोगे, तो फर्स्ट पॉइंट बोलता है अ मेंबर हु कंप्लेन्स दैट अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मेंबर्स और कंपनी. या तो और तो ये वाला पार्ट जो था वो ऑपरेशन था, और अब सेकेंड जो है वो मिसमैनेजमेंट का है. तो और बोला है a material change in the management or control of the company other than a change by or in interest of creditors, debenture holders or shareholders. मतलब के for example internal reconstruction के time पे ऐसा होता है कि इन सबके benefit के लिए आप कोई you know material change करते हो. normally क्या होता है, debenture holder को equity holder बना दिया, convert कर लिया, ऐसा कोई भी type का change अगर आपने किया which is you know in the interest of creditor, member या debenture holder, उसको count मत करो. इसके अलावा कोई भी मटेरियल चेंज हुआ जैसे बाय ऑल्टरेशन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑफ द मैनेजर्स और ऑफ मेंबरशिप एक्सेट्रा, मतलब आपके कंपनी में 10 डायरेक्टर में से 7 चेंज हो गए या 10 मैनेजर में से 7 चेंज हो गए, या लेट्स से मेंबरशिप में जो आपका प्रमोटर था वही चेंज हो गया, ऐसा कुछ मटेरियल चेंज होता है जिसके वजह से क्या होता है, तो ड्यू टू विच the affairs of the company will be conducted in a manner which is prejudicial to the interest of the company or members. अगर वो change की वजह से कुछ गलत होने वाला है या गलत हो रहा है, then that member may apply to the tribunal if that member has the right to apply under section 244. 244 क्या बोलता है, requisite number of members होने चाहिए जो apply कर सकते हैं. तो अगर उसमें right है तो he can apply. अच्छा, members ने apply नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला कि कुछ झोल हो रहा है, तो सीजी को भी यहाँ पर पावर दिया है, सीजी में इटसेल्फ अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द पब्लिक इंटरेस्ट. तो अगर सीजी को लगता है पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ कोई अफेयर्स कंडक्ट हो रहा है तो ट्रिब्यूनल में वो अप्लाई कर देगा. कौन सा ब्रांच या कौन सा बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल, तो प्रिंसिपल बेंच ऑफ एनसीएलटी विच इज एट न्यू दिल्ली. थर्ड पावर, सीजी को एक और पावर दिया है, यहाँ पर तो वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है. फर्स्ट पावर था मेंबर्स कैन अप्लाई, सेकंड पावर यहाँ पर है सीजी कैन अप्लाई. अब थर्ड पावर ये है कि सीजी किसी के खिलाफ केस कर सकता है. तो ऐसा है, वेयर एज पर सीजीज ओपिनियन देयर एग्जिस्ट सर्कमस्टेंसेस दैट सजेस्ट दैट बिजनेस इज कंडक्टेड और मैनेज्ड बाय अ पर्सन हु इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड और ब्रीच ऑफ लॉ और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. मतलब कोई पर्सन फ्रॉडस्टर है और यू नो पास्ट में ही हैज बीन गिल्टी फॉर फ्रॉड और वो धंधा चला रहा है, या इट इज बीइंग कंडक्टेड और मैनेज्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट लाइकली टू कंडक्ट बिजनेस एज पर साउंड और प्रूडेंट बिजनेस प्रिंसिपल्स. मतलब जो रैशनल लोग काम करते हैं वैसा ही नहीं करने वाला है, या बाय अ पर्सन इन अ मैनर टू कॉज इंजरी और डैमेज टू द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और बिजनेस. मतलब पूरा मार्केट या पूरा जो इंडस्ट्री है उसको खराब कर सकता है ये, उसको इंजर कर सकता है ये पर्सन. या कंडक्टेड और मैनेज्ड विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, मेंबर्स और पब्लिक. अगर सीजी को लगता है कि ये चार केस में वो पर्सन फॉल होने वाला है तो सीजी क्या कर सकता है, तो ऐसा एक केस इनिशिएट कर सकता है. देन द सीजी में इनिशिएट अ केस अगेंस्ट सच पर्सन एंड रेफर टू द ट्रिब्यूनल विद अ रिक्वेस्ट दैट ट्रिब्यूनल शैल इंक्वायर इन द केस एंड रिकॉर्ड अ डिसीजन वेदर द पर्सन इज फिट and proper to hold office as a director etc. So basically क्या होता है इसमें, तो एक छोटा सा प्रोसेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट विल रेफर टू द ट्रिब्यूनल बाय एन एप्लीकेशन. मतलब एप्लीकेशन फाइल करने का कि भाई ये पर्सन है ये जोलर लग रहा है, तो सीजी विल बिकम द एप्लीकेंट हियर. ट्रिब्यूनल क्या करने वाला है, इंक्वायरी करने वाला है, इंक्वायरी अगेंस्ट दैट पर्सन, जो जोलर है बंदा वो, उसको हम रिस्पॉन्डेंट बोलेंगे क्योंकि सीजी ने कंप्लेन फाइल किया है, एप्लीकेशन फाइल किया है, तो वो एप्लीकेंट हो गया, तो जिसके अगेंस्ट किया है वो रिस्पॉन्डेंट हो. अच्छा, ये एप्लीकेशन के साथ आपको दो चीजें ध्यान में रखनी होगी. एप्लीकेशन मस्ट कंटेन अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल और सर्कमस्टेंसेस नेसेसरी फॉर द इंक्वायरी.
बेसिकली एविडेंस वगैरह जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगा वो सब एक स्टेटमेंट में आपको लिख के देना होगा एंड इट शैल बी साइंड एंड वेरीफाइड एज पर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो गवर्नमेंट वाला जो भी बंदा है वो उसको साइन एंड वेरीफाई करेगा। इसके बाद क्या होता है, तो ट्रिब्यूनल नेक्स्ट सेक्शन 242 जो है उसमें एक ऑर्डर या डिसीजन पास करेगा वेदर ही इज और ही इज नॉट अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन। अगर वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है तो उसको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। ही कांट होल्ड ऑफिस। फिर 243 बोलता है कि इसको सीफ्लू नहीं देने का। सीफ्लू नहीं देने का मतलब नो कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। इसको निकाल दिया तो कोई कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे। प्लस ऐसा भी रूल आएगा कि वो 5 ईयर्स तक ही कैनॉट वर्क इन एनी कंपनी। अगर सीजी ने परमिशन दिया तो ही वो कर पाएगा। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 244 बीच में आता है जो बोलता है कि 241 में किसको किसको राइट है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स ऐसा है, इफ द कंपनी हैज शेयर कैपिटल तो एटलीस्ट 100 मेंबर्स और एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स विच एवर इज लेस। या तो ये ए था, या तो तुम इसमें फॉलो करो 100 और 1/10 विच एवर इज लोअर, या तो और मेंबर और मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल। तो या तो ए या तो बी, कोई भी ये एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। मतलब 100 मेंबर्स या 1/10 ऑफ टोटल विच एवर इज लोअर, या तो 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल के होल्डर्स। एंड अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो एटलीस्ट 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। तो यहाँ पर 1/10 लिखा होता है मतलब 10% बोलते हैं, तो ये 1/5 का मतलब हो गया 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। बट ऐसा एक एक्सेप्शन है, ट्रिब्यूनल कैन वेव ऑफ एनी रिक्वायरमेंट ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन दैट बिहाफ। अगर आपको लगता है ना कि जेन्युइन फ्रॉड वगैरह हुआ है बट आपका ये नंबर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 100 मेंबर वगैरह वगैरह नहीं हो रहा है, तो एप्लीकेशन करो ट्रिब्यूनल को कि प्लीज ये वेव ऑफ कर दो रिक्वायरमेंट। तो अगर ट्रिब्यूनल वेव ऑफ करता है तो अच्छा है, आप ऑपरेशन के लिए एप्लीकेशन कर पाओगे। फिर थोड़े बहुत केसेस है, जैसे पहला, एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पेड ऑल द कॉल्स और सम्स ड्यू ऑन देयर शेयर्स। मतलब कि पार्टली पेड अप नहीं चलेगा, जो भी पैसा भरना है पहले पूरा भर दो उसके बाद आप एप्लीकेशन करो। 100 मेंबर्स नीड नॉट अप्लाई सेपरेटली, अलग अलग से नहीं करना है आपको। वन और मोर मेंबर शैल अप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल बाय टेकिंग देयर रिटन कंसेंट। मतलब 100 लोग लाइन लगा के मत आओ एनसीएलटी में, एक बंदे को दे दो, पीछे तुम्हारा कंसेंट अटैच करके दे दो कि भाई हमने ये पर्सन को कंसेंट दिया है, वो हिसाब से हम 100 मेंबर्स हुए हैं। बट एप्लीकेशन एक ही बंदा करेगा, एक, वन और मोर, जॉइंटली 2-3 लोग करेंगे, बाकी सबका नाम पीछे अटैच करते नहीं। फिर और भी है कि अगर जॉइंट होल्डिंग है तो इफ शेयर्स आर हेल्ड बाय 2 or more persons जॉइंटली देन दे शैल बी काउंटेड एज 1 member ओनली। बिकॉज एक डीमैट अकाउंट में अगर लेट्स से 3 लोग होल्ड कर रहे हैं, एक डीमैट अकाउंट में 3 joint holders है, तो 3 member नहीं गिनने का, एक डीमैट अकाउंट है ना, एक ही जन गिनने का उसको। इश्यूड शेयर कैपिटल जो है उसमें इक्विटी प्लस प्रेफरेंस काउंट करने का। तो पहले आपको बैलेंस शीट में से इक्विटी प्लस प्रेफरेंस का टोटल लेने का, वो टोटल का फिर आपको 1/10 देखना है। एंड इश्यूड का मतलब पेड अप नहीं होता है, बोथ आर डिफरेंट, तो आपको इश्यूड चेक करना है, नॉट पेड अप। फिर ऐसा है, एक पेटिशनर मेंबर है, मतलब जो ये एप्लीकेशन फाइल करने आ रहा है, होल्डिंग 10% शेयर्स, गेट्स ऑप्रेस्ड एंड हिज शेयर होल्डिंग इज डाइल्यूटेड टू 9% ड्यू टू इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल फ्रेश अलॉटमेंट टू अदर्स। मतलब एक शेयर होल्डर है जिसका 10% है, बट उसको जान मुझ के उसका जो शेयर होल्डिंग है वो कम कर दिया है, बींग ऑप्रेसिव 10 का 9 कर दिया, तो क्या ये एप्लीकेशन वैलिड होगा? तो आंसर है नो प्रॉब्लम, द पिटिशन विल बी मेंटेनेबल। ट्रिब्यूनल ऐसे केसेस को कंसिडर करता है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 9.99% देते हैं किसी को भी, जैसे कि अभी जियो ने फेसबुक को दिया था 9.99% ऐसा कुछ। तो अगर ऐसा केस ही फिर पैदा नहीं होगा कि आपको 10 से कम कर दे। फिर एक और है, एक केस हुआ था कि भाई अगर शुरू में 100 लोगों ने बोला 100 members had applied and the petition was accepted, बट फिर 10 members withdrew their consent, तो क्या चलेगा? तो आंसर है yes, petition shall go on। क्या concept है? तो consent of the members shall be reckoned at the beginning of the proceedings, withdrawal of the consent during the course of proceedings shall not affect the maintainability। मतलब start में consent देखना है, बाद में चाहे ये लोग निकल भी जाए फर्क नहीं पड़ता, tribunal अपना decision सुना के रहेगा। 242 में वो अपना डिसीजन सुनाने वाला है। तो 242 बोलता है पावर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल, प्लीज बी वेरी केयरफुल, इसमें वो सर्दी जो शॉर्ट फॉर्म अपन ने बनाया था वो नहीं लिखना है, जो समन एंड एनफोर्स अटेंडेंस फिर इंस्पेक्शन डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स वगैरह वगैरह, वो आंसर पावर्स में होता है फॉर अदर चैप्टर्स, बट फॉर दिस चैप्टर
सेक्शन 242 अगर आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो पावर्स में ये सर्दी वाला आंसर नहीं लिखना है। पीएमएलए में जो सर्दी वाला बनाया था वो बहुत सारे चैप्टर्स में काम तो आएगा, बट 242 में वो काम नहीं आएगा। 242 में पावर्स थोड़े अलग दिए। तो ऐसा है, ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन अंडर 241, इफ ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट कंपनीज अफेयर्स हैव बीन कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मेंबर्स और कंपनी, मतलब के जो अपना ऑपरेशन का पॉइंट था वो, और ट्रिब्यूनल को लगता है टू वाइंड अप द कंपनी वुड बी अनफेयर टू मेंबर्स, बट फैक्ट्स जस्टिफाई दैट द कंपनी मस्ट बी वाउंड अप। मतलब ट्रिब्यूनल को लगता है कि यार अनफेयर तो होगा, बट इट इज नेसेसरी टू वाइंड अप। देन ट्रिब्यूनल कैन मेक एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर विद अ व्यू टू ब्रिंगिंग एन एंड टू द मैटर्स कंप्लीट। मतलब ट्रिब्यूनल अपने हिसाब से एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगा। कैसे कैसे ऑर्डर पास कर सकता है, तो पीछे एक पूरा पेज है उसके लिए। यू नीड टू रिमेम्बर, सब नहीं बट एटलीस्ट इसमें से थोड़े बहुत पॉइंट्स आने ही चाहिए। अगर पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल पूछा अंडर सेक्शन 242 तो आपको ये आंसर आना चाहिए। तो ट्रिब्यूनल क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं अपने ऑर्डर में, तो पहला रेगुलेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में कैसे इसके अफेयर्स रेगुलेट होंगे। इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट्स, मतलब के डैमेजेस या कॉम्पेंसेशन वगैरह वगैरह, अगर किसी को ग्रांट करना है तो वो 242 में कर सकता है। फिर परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ मेंबर बाय द कंपनी और बाय अदर मेंबर्स, मतलब लेट्स से ये ए बी सी और डी, ये चार मेंबर है, समझो ये ए को अपने जो ए को ऑपरेसिव लग रहा है, लेट्स से ए इज बीइंग ऑपरेस्ड एंड ये बी सी और डी सब लोग मिल चुके हैं, तो ए को है ना एग्जिट चाहिए। तो ट्रिब्यूनल ऐसा एक ऑर्डर पास कर सकता है कि ए के जो शेयर्स है ना वो कौन परचेस करेगा, या तो कंपनी खुद परचेस कर लेगा, मतलब के बाय बैक कर लेगा, या तो ए के जो शेयर्स है वो बी या सी या डी परचेस कर ले, तो तुम ए को एग्जिट दे दो, ही विल आल्सो बी हैप्पी, यू विल आल्सो बी हैप्पी। तो ऐसा एक ऑर्डर पास कर सकता है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के ऊपर आपको एक ऑर्डर पास करना रहेगा, जैसे कि ये केस में अगर बायबैक हो रहा है तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का आपको प्रोविजन करके रखना पड़ेगा। एंड एक और पॉइंट है, रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर और अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स, मतलब आगे जाके आप किसी को अलॉटमेंट करने वाले हो या किसी को आप ट्रांसफर करने वाले हो फ्रॉडुलेंटली, तो आप ट्रिब्यूनल कैन स्टॉप दैट ऑल्सो। फिर और क्या क्या कर सकते ट्रिब्यूनल, इट कैन अपॉइंट डायरेक्टर्स, एंड ये जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, यहाँ पर स्टार मार्क मार के दिया है, जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे वो लोग को आप 169 में रिमूव नहीं कर पाओगे। कंपनीज एक्ट में 169 डायरेक्टर्स के चैप्टर में लिखा है कि यू कैन रिमूव डायरेक्टर्स, बट डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल कांट बी रिमूव। 169 में भी ये पॉइंट कवर करेंगे कि भाई ट्रिब्यूनल के द्वारा अपॉइंटेड डायरेक्टर होगा तो उसको आप निकाल नहीं सकते। रिमूवल ऑफ एमडी मैनेजर डायरेक्टर्स, ट्रिब्यूनल इनको रिमूव कर सकता है। मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द अबव पोस्ट देयर रिमूवल, मतलब ये लोग को रिमूव किया ना तो अब रीअपॉइंट कौन करेगा इनको, कैसे करेगा, वो मैनर भी लिख के दे दो। एंड ये जो एमडी मैनेजर डायरेक्टर है अगर इन्होंने कोई अनड्यू गेन्स कमाया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा अपन एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर ये एमडी मैनेजर डायरेक्टर है, उन्होंने समझो ये ऑफिस का जो लेट्स से ऑफिस का एक पूरा बिल्डिंग है उसमें एक फ्लोर खाली है, तो एक फ्लोर खाली है ना तो ये लोग एवरी संडे को एक वेडिंग के लिए ये लोग ये हॉल दे देते थे एंड वो लोग कैश कमा देते उससे। दे यूज टू यू नो हाइड दैट कैश, वो लोग कंपनी के अकाउंट्स में नहीं दिखा देते। तो अगर ऐसा कोई अनड्यू गेन्स हुआ तो उसको रिकवरी भी करवा सकते हो अगर आपको पता चल गया तो रिकवरी ऑफ अनड्यू गेन्स मेड बाय द अबव, जो अबव मतलब एमडी मैनेजर डायरेक्टर वगैरह, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, वो जो रिकवरी हमने किया अनड्यू गेन्स का, अब उसको कैसे यूटिलाइज करें, तो वट एवर यू वॉन्ट, कैसे भी आपको यूटिलाइज करना है आप करो। यू कैन से के कंपनी के अकाउंट में डाल दो वगैरह वगैरह, इंक्लूडिंग ट्रांसफर टू IEPF, इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, या इंक्लूडिंग रीपेमेंट टू विक्टिम्स, तो जिनको हर्ट हुआ रहेगा ना कोई चीज से उनको आप रीपे भी कर सकते। तो ऐसा कोई भी चीज यू नो कोई भी केस में अगर इन्होंने कोई अनड्यू गेन्स बनाया तो आप उसका रिकवरी कैसे करना है एंड यूटिलाइजेशन कैसे करना है सब लिख के दे सकते। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन और सेटिंग असाइड एनी अग्रीमेंट, तो कोई भी अग्रीमेंट, कौन सा अग्रीमेंट, तो बिटवीन द कंपनी एंड एमडी मैनेजर और डायरेक्टर, कंपनी और अपने एमडी मैनेजर डायरेक्टर के बीच में कोई अग्रीमेंट होगी, जैसे कि परक्यूजेट्स, रेम्यूनरेशन वगैरह वगैरह, या बिटवीन कंपनी एंड एनी अदर पर्सन बाय गिविंग नोटिस एंड टेकिंग द प्रायर कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। मतलब फर्स्ट पॉइंट जो है वो बोलता है कंपनी एंड अपने एमडी वगैरह के बीच में कोई अग्रीमेंट होगी तो उसको आप टर्मिनेट कर दो, मॉडिफाई कर दो या कैंसिल या सेट असाइड कर दो।
या तो कंपनी या दूसरे किसी भी पर्सन के साथ अगर अग्रीमेंट हो तो वो केस में आप टर्मिनेट मॉडिफाई सेटिंग असाइड करोगे, बट बाय गिविंग अ नोटिस एंड टेकिंग प्रायर कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। तो जो भी पर्सन है उसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए ये केस में, तो उसका आप कंसेंट भी ले लो, उसके बाद सेट असाइड कर दो। फिर एक और है, ट्रिब्यूनल कैन सेट असाइड अ ट्रांसफर और डिलीवरी ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी। मतलब कंपनी या तो बाय या तो सेल कर रहा है गुड्स या प्रॉपर्टी, या इट कैन सेट असाइड अ पेमेंट मेड बाय और टू द कंपनी विद इन 3 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब मैंने जो भी एप्लीकेशन किया उसके 3 महीने पहले अगर कंपनी ने कोई ट्रांसफर किया था प्रॉपर्टी का या गुड्स का, या डिलीवरी किया था या लिया था, या किसी को पेमेंट किया था या लिया था, तो उसको सेट असाइड करवा सकता है, मतलब के रिवर्स करवा सकता है कभी। तो इफ ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें जो सेकेंड पार्टी है उसका स्टेटस यहाँ पर देखना होगा, तो इफ दैट ट्रांजेक्शन वुड बी डीम्ड टू बी अ फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी ऑफ द अदर पर्सन। अदर पर्सन मतलब कंपनी जिसके साथ डील कर रहा है, अगर इंसॉल्वेंट हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो उसके इंसॉल्वेंसी में क्या ये ट्रांजेक्शन को फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस मानते? अगर हम मानते तो ये ट्रांजेक्शन को हम सेट असाइड या रिवर्स करवाते। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द लीगल लैंग्वेज बट एग्जाम्पल विल मेक इट वेरी इजी। तो एग्जाम्पल ऐसा है, किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड सोल्ड अ प्रॉपर्टी वर्थ 40 लाख्स टू इट्स प्रमोटर मिस्टर माल्या फॉर 80 लाख्स। किंगफिशर ने क्या किया, 40 लाख का प्रॉपर्टी 80 लाख में बेच दिया माल्या को। माल्या को उसने प्रॉपर्टी इतने महंगे में बेचा तो कंपनी ने तो प्रॉफिट कमाया, बट माल्या के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि उसने ये क्यों किया, तो माल्या का बैलेंस शीट जो है आफ्टर बाइंग दिस प्रॉपर्टी वो ऐसा दिखता है। लायबिलिटी साइड पे कैपिटल है 30 लाख का, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 50 लाख के, एंड एसेट साइड पे सिर्फ एक प्रॉपर्टी है 80 लाख की, कैश 0 है। इसका मतलब बिफोर दिस ये जो एसेट साइड था उसमें इसके पहले प्रॉपर्टी थी ही नहीं और कैश 80 लाख हुआ करता था। तो वो कैश में से 50 लाख वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को रीपे कर सकता था यहाँ पर, बट उसने रीपे नहीं किया, उसने सोचा कि झोल कर। तो वॉट ही डिड, जो 80 लाख का कैश था उसको प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। He showed कि मैंने प्रॉपर्टी ली है फॉर 80 लाख। अगर ये उसने किया उसके बाद नाउ जो उसने प्रॉपर्टी ली है अब वो वापस बेच रहा है, ही सेलिंग इट बैक। सो नाउ माल्या सेल्स दैट प्रॉपर्टी बैक टू किंगफिशर फॉर 5 लाख। मतलब आप क्या करेगा, ये जो 80 लाख का प्रॉपर्टी है उसको 5 लाख में बेचेगा। अगर 5 लाख में बेच रहा है तो जो 75 लाख है वो लॉस राइट ऑफ हो जाएगा पीएनएल से, दस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का लॉस हो जाएगा। कितना लॉस? तो अगर आप एसेट साइड देखो, एसेट साइड में अब क्या होगा, तो प्रॉपर्टी 0 एंड जो कैश 5 लाख मिला वो बैलेंस शीट में दिखेगा। तो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 50 लाख का, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 50 माइनस 5 सिर्फ 45 लाख मिलेगा उसको, सॉरी 50 में से 5 लाख सिर्फ मिलेगा, 45 लाख का लॉस हो जाएगा उसका। दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रॉड। ये तो इमेजिनरी नंबर्स है कि सीधा 40 का 80 या सीधा 80 का 5 वगैरह वगैरह, बट ट्रांजेक्शन ऐसे हो सकते हैं जिससे यू कैन शो कि भाई सच्ची में मैं इंसॉल्वेंट हूँ और मैं इंसॉल्वेंट हो गया और मैं तेरे को पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो नॉर्मली लोग ये करते हैं अगर ऐसा ट्रांजेक्शन पकड़ा गया, बिकॉज हियर इट इज कॉल्ड एज फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए तो लेट्स से आपके पास जो 80 लाख था उसमें से पहले आपको इसको देना था ना 50 लाख, फिर आप पॉकेट में डालो 30 लाख, बट ही ट्राइड टू डू अ फ्रॉड जिससे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का ऑप्शन है ना एकदम नीचे चला जाए, तो जो बचेगा सिर्फ उतना ही हम उसको दे, ऐसा उसने फ्रॉड प्लान किया। तो दिस विल बी सेट असाइड, मतलब कि ट्रिब्यूनल शैल रिवर्स सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करके कंपनी को देगा, कंपनी विल हैव टू फॉरवर्ड इट विद इन 30 डेज टू द रजिस्ट्रार। ट्रिब्यूनल कैन पास इंटरिम ऑर्डर्स ऑल्सो ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग। मतलब फाइनल ऑर्डर तक वेट नहीं करना, तो ये लोग इंटरिम ऑर्डर भी मांग सकते हैं, इंटरिम रिलीफ भी मांग सकते हैं। फिर वो वाला पॉइंट याद आया, 241 में जो सीजी ने एक पर्सन का केस रेफर किया था, तो ट्रिब्यूनल शैल रिकॉर्ड अ डिसीजन रिगार्डिंग द केस रेफर्ड बाय सीजी अंडर सेक्शन 241, वेदर द रिस्पोंडेंट इज अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन टू होल्ड ऑफिस और नॉट। तो वो यहाँ पर डिसीजन देगा सेक्शन 242 में। फिर ट्रिब्यूनल अगर ऑल्टर करता है एमओए एओए, तो उसके लिए रूल ऐसा है, इफ द ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर मेक्स एनी ऑल्टरेशन ऑफ एमओए और एओए देन द कंपनी कैन नॉट ऑल्टर द एमओए और एओए फॉर मैटर्स दैट आर इनकंसिस्टेंट विद द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल विदाउट द लीव और परमिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल।
मतलब अगर ट्रिब्यूनल ने एक्स वाई जेड के लिए एमओए ऑल्टर किया बट तुमको एबीसी के लिए एमओए ऑल्टर करना है, तो आपको लीव लेनी पड़ेगी ट्रिब्यूनल की। जैसे नीचे एग्जाम्पल लिखा है वो देखेंगे, एंड कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑल्टरिंग द एमओए रेओए या गिविंग लीव फॉर ऑल्टरेशन, ये वाले क्लॉज में जो लीव दे रहे हो आप, वो आपको सेंड करना होगा कंपनी को, एंड कंपनी विल हैव टू फाइल इट विद इन 30 डेज टू द रजिस्टर। ये वाले पॉइंट जहां पर आपको लीव लेने को बोला है लेफ्ट साइड में, अगर उसका आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो ऐसा है। अच्छा, ये कॉन्ट्रावेंशन अगर हुआ तो क्या, समझो कि एनसीएलटी ने जो अप्रूव किया था उसके अगेंस्ट अगर हम ये एओए एमओए को अमेंड करते हैं वगैरह, जो इनकंसिस्टेंट है मैटर्स उसके लिए, तो कॉन्ट्रावेंशन के लिए कंपनी को फाइन लगेगा 1 लाख से 25 लाख तक, मिनिमम मैक्सिमम लिमिट दिया हुआ यहाँ पे, एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट को फाइन रहेगा 25,000 से 1 लाख तक का। ओके, एग्जाम्पल देखो इसके कॉन्ट्रावेंशन के ऊपर, बहुत मस्त एग्जाम्पल लिया हुआ है। ऐसा है कि माइनॉरिटी स्टेटस वॉज शिफ्टेड, सॉरी मेजोरिटी स्टेटस वॉज शिफ्टेड टू माइनॉरिटी बाई इशूइंग शेयर्स। तो जैसे अपन ने एग्जाम्पल देखा था ना कि अगर समझो कोई 51 होल्ड करता है, 51 out of 100, तो अपन ने क्या किया, 51 एज इट इज उसका रह गया और हमने थोड़ा एक्स्ट्रा शेयर इशू करके ये यहाँ पे समझो 110 कर दिया। नाउ इन दिस केस ये बंदा माइनॉरिटी में चला गया है, less than 50% में। ऑथराइज शेयर कैपिटल वॉज इंक्रीज फ्रॉम 10 लाख to 12 लाख, समझो ऐसा करके, जैसे मैंने यहाँ पे बताया 100 से 110 शेयर हो गया, वैसे ही एग्जाम्पल 10 लाख से 12 लाख का ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया। तो कोई तो भी मेजोरिटी से माइनॉरिटी चला गया। नाउ ट्रिब्यूनल ऑर्डर्ड अ रिवर्सल एंड इट ऑल्टर्ड द ऑथराइज शेयर कैपिटल फ्रॉम 12 लाख back to 10 लाख। ट्रिब्यूनल ने बोला भाई ये नहीं चलेगा, 12 से 10 लाख वापस हम कर रहे हैं। तो नाउ इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू रेज कैपिटल फ्रॉम फ्रेश इशू टू द पब्लिक और राइट्स इशू, देन इट कैन ऑल्टर द एमओए ओनली आफ्टर द ट्रिब्यूनल्स लीव। मतलब ट्रिब्यूनल ने जो बोला था, ट्रिब्यूनल ने ऑथराइज शेयर कैपिटल वापस कम कर दिया था, तो अब तुम उसके अगेंस्ट इनकंसिस्टेंट वे में अगर तुमको इंक्रीज करना शेयर कैपिटल, तो इन दैट केस ट्रिब्यूनल का तो लीव लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने ही उसको रिड्यूस करवाया था। सो ये एग्जाम्पल याद रखना, अगर इसको कॉन्ट्रावीन किया तुमने तो फिर ये फाइन भरने का मौका 1 लाख से 25 लाख कंपनी को एंड 25,000 से 1 लाख ऑफिसर इन डिफॉल्ट को। 243 बोलता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ अग्रीमेंट बाय ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर अंडर सेक्शन 242। तो ऊपर 242 में हमने देखा था कि कोई भी अग्रीमेंट टर्मिनेट वगैरह ये कर सकता है, तो क्या उसका इफेक्ट होगा। तो पहला, इट शैल नॉट गिव राइज टू एनी क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनीज बाय एनी वन फॉर डैमेजेस और सी फ्लू इवन इफ एंटाइटल्ड एज पर द अग्रीमेंट। मतलब ऐसा कोई भी अग्रीमेंट एंटर किया था तो कोई भी पर्सन को डैमेजेस या सी फ्लू वगैरह नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने एक एमडी और एक कंपनी का एक अग्रीमेंट उन्होंने एंटर किया था, अगर आप वो कैंसिल कर रहे हो, तो ये जो एमडी है उसने सोच समझ के ये अग्रीमेंट बनाया रहेगा, जिसमें ऐसा लिखा रहेगा कि अगर ये अग्रीमेंट टर्मिनेट हुई, अगर ये अग्रीमेंट को टर्मिनेट किया तो मुझे आप 20 करोड़ का कॉम्पेंसेशन दोगे। ये एमडी और कंपनी ने एक अग्रीमेंट एंटर किया है, तो ऑफ कोर्स ट्रिब्यूनल क्या करता है, इसको कैंसिल कर रहा है। साथ साथ में ये भी बोल दिया कि ये जो है 20 करोड़ तुमने लिखा था ना अग्रीमेंट में, कि अगर अग्रीमेंट कैंसिल हो गई तो हम आपको देंगे, वो भी तुमको नहीं मिलेगा। सो नो डैमेजेस एंड नो सी फ्लू। सी फ्लू मतलब कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, तो वो नहीं मिलेगा। फिर नो एमडी मैनेजर और डायरेक्टर हुज अग्रीमेंट इज टर्मिनेटेड कैन एक्ट एज एमडी मैनेजर डायरेक्टर इन दैट कंपनी फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर विदाउट द लीव ऑफ ट्रिब्यूनल। मतलब आप अगर एक कंपनी के एमडी मैनेजर डायरेक्टर थे और आपका अग्रीमेंट कैंसिल हो गया, तो आप वही कंपनी में वापस एमडी मैनेजर डायरेक्टर नहीं बन पाओगे फॉर 5 ईयर्स। बट अगर आपको बनना है लेट्स से विद इन दोज 5 ईयर्स, तो आपको ट्रिब्यूनल का लीव लगेगा। अच्छा, ट्रिब्यूनल कैसे लीव देता है? तो ऐसा है कि ट्रिब्यूनल कैन ग्रांट लीव ओनली आफ्टर सर्विंग अ नोटिस ऑफ द पर्सन इंटेंशन टू अप्लाई ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन पहले एनसीएलटी को अप्लाई करता है। किसके लिए? तो लीव के लिए अप्लाई करता है कि भाई प्लीज मेरे को अलाउ करो एमडी बनने के लिए। तो एनसीएलटी क्या करता है, इसका नोटिस, ये जो लीव मांगने आया ना उसका नोटिस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को रॉबिन हुड भी देना पड़ेगा, मतलब हियर व्हाट द सीजी हैज टू से एंड देन ओनली यू कैन ग्रांट द लीव। फिर एक और पॉइंट है ये सेक्शन में जो बोलता है, द पर्सन हु इज नॉट फिट एंड प्रॉपर शैल नॉट होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ एनी कंपनी
फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर और डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल। मतलब अगर तुम फिट एंड प्रॉपर नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कंपनी में तुम नहीं बन सकते, तुम कोई भी कंपनी में नहीं बन सकते, एनी कंपनी। यू कांट बिकम डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ एनी कंपनी फॉर 5 ईयर्स, बट अगर तुमको बनना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन परमिट दैट। तो ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन विद द लीव ऑफ ट्रिब्यूनल परमिट द सेम बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स। तो सीजी को यहां पर पहले ट्रिब्यूनल का लीव लेना होगा एंड देन ओनली सीजी विल परमिट। तो इसका कॉन्ट्रावेंशन अगर किया तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अबव मेंशन रूल्स बाय एमडी मैनेजर डायरेक्टर एंड एवरी डायरेक्टर हु इज नोइंगली अ पार्टी टू वायोलेशन। मतलब अगर तुमने समझो वायोलेट नहीं किया बट तुमको पता है कि हाँ तुम वायोलेशन के एक पार्ट हो, तुम मिले हुए हो, इन दैट केस फाइन विल बी 5 लाख फ्लैट। मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा फ्लैट फाइन है यहाँ पे 5 लाख। फिर आता है सेक्शन 245 क्लास एक्शन। बट करें उसके पहले यू शुड नो अ माइनर डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 241 एंड 245, बोथ लुक ओवरलैपिंग, तो उसका डिफरेंस पहले देख लेने का। 241 एंड 245 आर ओवरलैपिंग बट देर आर सम डिफरेंसेस। क्या डिफरेंस है? तो पहले तो सेक्शन नंबर का ही डिफरेंस है, ये 241 है, ये 245 है। लोग ये भी करते हैं, अगर आधा मार्क चाहिए रहते तो शायद ये भी लिख देंगे। एनीवे एप्लीकेंट, तो एप्लीकेंट में मेंबर्स होंगे 241 में, बट 245 में मेंबर्स साथ साथ डिपॉजिटर्स भी कर सकते हैं, जिसने पब्लिक डिपॉजिट होल्ड किए होते हैं वो। ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स और द कंपनी, एंड 245 में होता है क्लास ऑफ मेंबर्स और डिपॉजिटर्स, तो ये उसके बिहाफ पे होता है। मेंबर्स अपने खुद के बिहाफ पे या तो कंपनी के बिहाफ पे ये फाइल कर सकते हैं 241 में, एंड यहाँ पर तो मेंबर्स ये या तो डिपॉजिटर्स। अगेंस्ट होम, तो 241 जो होता है ना, इट इज अगेंस्ट द कंपनी, एंड पीछे एनसीएलटी कैन इश्यू एन ऑर्डर अगेंस्ट द बीओडी और मेंबर्स और मैनेजर्स। तो वर्सेस कंपनी ही होता है, बट कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करके बीओडी या मैनेजर्स के अगेंस्ट ऑर्डर जा सकता है। वेर एज 245 जो होता है ना, इट इज अगेंस्ट द कंपनी और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स, एक्सपर्ट्स, एडवाइजर्स एक्सेट्रा। ये सबसे मेन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है कि आप इनको भी यहाँ पर सू कर सकते हो। एंड थ्रेशोल्ड्स दोनों के अलग है, 241 और 245 में रिस्पेक्टिवली लिखा है। नाउ वी कैन स्टार्ट विद 245, कि 245 में क्या होने वाला है और यू नो किसके लिए आप 245 में आते हो। तो 245 का नाम है क्लास एक्शन, अगेन इट इज अ पिटिशन ओनली, जो 241 में फाइल होता है वैसे ही होगा। कब होगा ये? तो इफ मेंबर्स और डिपॉजिटर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट मैनेजमेंट और कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, मेंबर्स और डिपॉजिटर्स, देन दे कैन फाइल एन एप्लीकेशन एट द ट्रिब्यूनल फॉर सीकिंग एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हो गया कि आपको यहाँ पर जो 5 पॉइंट्स लिखे हैं ए बी सी डी ई, उसमें से ही आपको यू नो रेमेडी मिलेगी। तो पहला रेमेडी ये है कि यू वॉन्ट टू रिस्ट्रेन द कंपनी, टू स्टॉप द कंपनी फ्रॉम कमिटिंग एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स एमओए एओए, मतलब एमओए एओए के बाहर, उसके अथॉरिटी के बाहर आपको कोई चीज करनी है तो आप उसको स्टॉप कर सकते हो, और विच इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, कोई लॉ ब्रेक करने वाला है तो उसको स्टॉप कर दो, और इन ब्रीच ऑफ अ रेजोल्यूशन पास्ड अर्लियर। तो पहले आपने कोई रेजोल्यूशन पास किया रहेगा, अब वो रेजोल्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, उसको आप ब्रेक कर रहे हो, तो आप स्टॉप कर सकते हो। फिर बी वाला पॉइंट है, टू डिक्लेयर अ रेजोल्यूशन ऑल्टरिंग एमओए और एओए एज वॉइड इफ द रेजोल्यूशन वॉज पास्ड बाई सप्रेशन ऑफ मटीरियल फैक्ट्स और बाय मिस स्टेटमेंट टू द मेंबर्स और डिपॉजिटर्स। कोई भी ऐसा एमओए एओए ऑल्टर करने का आपने रेजोल्यूशन पास तो कर दिया, बट फिर आपको पता चला कि यार सप्रेशन हुआ था कोई फैक्ट्स का। सी है टू रिस्ट्रेन डायरेक्टर्स एंड द कंपनी फ्रॉम एक्टिंग ऑन सच रेजोल्यूशन। कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया जो आपने यू नो सप्रेशन करके या मिस रिप्रेजेंटेशन करके रेजोल्यूशन पास करवाया था, अगर आप उस पर एक्ट करने वाले हो तो आपको ये लोग रोक सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू क्लेम डैमेजेस और डिमांड एनी एक्शन फ्रॉम और अगेंस्ट द फॉलोइंग। तो कोई तो भी एक्शन डिमांड करने का या तो सीधा सीधा डैमेजेस क्लेम करने का, किसके अगेंस्ट? तो द कंपनी और डायरेक्टर्स फॉर एनी एक्ट विच इज फ्रॉडुलेंट, रॉन्गफुल और इनकरेक्ट। या आप किसको सू कर सकते हो? ऑडिटर या ऑडिट फर्म को फॉर एनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन दियर ऑडिट रिपोर्ट और फॉर एनी एक्ट विच इज फ्रॉडुलेंट, रॉन्गफुल, इनकरेक्ट।
या यू कैन सू एनी एक्सपर्ट, एडवाइजर, कंसल्टेंट और एनी अदर्स फॉर मिसलीडिंग और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स और फॉर मेकिंग एनी एक्ट विच इज अगेन फ्रॉडुलेंट, रॉन्गफुल या इनकरेक्ट. तो बेसिकली आप आउटसाइडर्स को भी यहाँ पर सू कर सकते हो जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंपनी के साथ इन्वॉल्व होते हैं. एंड लास्ट है टू सीक एनी रेमेडी एज द ट्रिब्यूनल में डीम फिट. ट्रिब्यूनल को लगता है कि वो देना चाहिए तो वो तुमको रेमेडी दे देगा. रिक्वेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डिपॉजिटर्स. तो डिपॉजिटर्स अगर होंगे तो कितने डिपॉजिटर्स चाहिए, तो 5% ऑफ द नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स या 100 डिपॉजिटर्स, विच एवर इज लोअर. ये ए हो गया पॉइंट. या तो और बी, डिपॉजिटर्स टू होम द कंपनी ओज 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स. तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट में नंबर लिखा है, तो 5% ऑफ नंबर या 100, विच एवर इज लोअर. अगर नंबर में नहीं, समझो आप होल्डिंग के हिसाब से देख रहे हो कितना डिपॉजिट आपने होल्ड किया है, तो 5% ऑफ डिपॉजिट्स. अच्छा, यहाँ पर डिपॉजिटर्स होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक डिपॉजिटर 5% वाला है तो ही वो आ सकता है. आप 5-6 डिपॉजिटर्स को लेके आओ, मिला के अगर 5% होता है तो यू कैन अप्लाई. अगर मेंबर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या रिक्वायर्ड नंबर होगा. इफ द कंपनी हैज शेयर कैपिटल, तो 5% ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स या 100 मेंबर्स, विच एवर इज लोअर. या तो मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल अगर वो कंपनी अनलिस्टेड है तो, या फिर 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो. मतलब ये केस में पहला जो पार्ट है नंबर का, उसमें लिखा है 5% ऑफ नंबर या 100 मेंबर्स, विच एवर इज लोअर. अगर ये नहीं हो रहा है तो समझो तुमको होल्डिंग देखना है, तो 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल अगर अनलिस्टेड, 2% है तो 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी. अगेन रूल्स विल बी द सेम. इशूड में आपको इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस लेना है, एंड इशूड का मतलब पेड अप नहीं होता, दोनों अलग होते हैं. इफ नॉट, अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब कि 20% ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने लोगों को अप्लाई करना होगा. फिर ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट करे उसके पहले क्या क्या फैक्टर्स कंसिडरेशन में लेगा. तो ट्रिब्यूनल शैल टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग फैक्टर्स व्हाइल कंसिडरिंग द एप्लीकेशन. पहला, वेदर द एप्लीकेंट इज एक्टिंग इन गुड फेथ, मतलब कि वो वेक्सेशियस या फ्रिवलिस नहीं है, मतलब के वो फालतू का ये नहीं कर रहा है एप्लीकेशन फाइल कर रहा है. इट शुड बी इन गुड फेथ, मतलब एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए. फिर नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइडर्स इन इट, मतलब कि आपको देखना होगा कि अदर देन अपने कंपनी के डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स बाहर वाले को इन्वॉल्व है कि नहीं, एंड वेदर द वायोलेशन इज येट टू अकर और इफ अकर्ड वेदर इट कैन बी रेटिफाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मतलब कि बेसिकली चेक करो वायोलेशन हुआ है कि नहीं, आगे जाके होने वाला है तो ट्राई टू स्टॉप दैट. अगर ऑलरेडी हो चुका है तो क्या आप उसको रेटिफाई कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, जो भी है वो सब फैक्टर्स कंसिडरेशन में लो, एंड देन ओनली एडमिट द एप्लीकेशन. बट एक बार आपने एडमिट कर लिया, वंस द ट्रिब्यूनल एडमिट्स देयर एप्लीकेशन, देन अ पब्लिक नोटिस शैल बी सर्व्ड ऑन ऑल द मेंबर्स एंड डिपॉजिटर्स. मतलब ऐसा है कि अगर 5-6 मेंबर भी आए ना कंप्लेंट करने के लिए, अगर उनके पास वो रिक्वायर्ड 2% या 5% इश्यू शेयर कैपिटल का है, फिर भी यू नो यू विल हैव टू सर्व अ नोटिस ऑन ऑल द मेंबर्स एंड डिपॉजिटर्स. सिमिलर एप्लीकेशंस इन एनी बेंच मस्ट बी कंसोलिडेटेड इनटू वन एप्लीकेशन. मतलब अगर एक बेंच में आपने लिखा है कि एमओए को यू नो एमओए को जो ऑल्टर करने का रेजोल्यूशन पास हुआ था उसको आप वॉइड ठहरा दो, एंड दूसरे बेंच में लिखा है कि एओए का जो ये हुआ था रेजोल्यूशन पास हुआ था उसको आप वॉइड ठहरा दो. दोनों अलग अलग बेंच में है बट बोथ आर वेरी मच सिमिलर, एंड दोनों एक ही कंपनी के अगेंस्ट है, तो उसको कंसोलिडेट कर दो. एंड मेंबर्स और डिपॉजिटर्स शैल चूज वन लीड एप्लीकेंट. मतलब दोनों अलग अलग बेंच में चल रहा है ना, तो दोनों में अलग अलग एप्लीकेंट है, तो नाउ चूज वन लीड एप्लीकेंट क्योंकि एक ही बेंच में चलने वाला. और एल्स द ट्रिब्यूनल कैन इन एब्सेंस ऑफ एनी कंसेंसस, अगर दोनों मिलकर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन लीड एप्लीकेंट होगा तो ट्रिब्यूनल चूज करके देगा कौन लीड होगा. टू क्लास एक्शंस फॉर सेम कॉज इज नॉट अलाउड. एक ही चीज के लिए अगर क्लास एक्शन दो जगह पे फाइल हो रहा है तो अलाउड नहीं होगा. जैसे यही दोनों जगह पे एमओए का जो रेजोल्यूशन था ऑल्टरेशन का वो वॉइड ठहराना है और दोनों अलग अलग बेंच में गया तो नॉट अलाउड. कोई भी एक में ही जाएगा, जिसमें पहले फाइल हुआ उसमें जाएगा. एंड कॉस्ट और एक्सपेंसिस कनेक्टेड विद द एप्लीकेशन शैल बी डिफ्रेड और पेड बाय द कंपनी और बाय एनी पर्सन हु हैज कमिटेड ऑपरेसिव एक्ट्स. बेसिकली कंपनी पे करेगा या ज्वेलर पे करेगा, तो ये मेंबर्स और डिपॉजिटर्स जो है उनको अपना लीगल एक्सपेंसिस का रीइंबर्समेंट मिल जाएगा.
फिर ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी बाइंडिंग ऑन मेंबर्स और डिपॉजिटर्स और ऑडिटर एक्सपर्ट और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द कंपनी, जैसे कि एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स वगैरह वगैरह, तो सारे लोगों के ऊपर ये बाइंडिंग हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट वाला, कि भाई व्हेन मेंबर्स और डिपॉजिटर्स सीक कॉम्पेंसेशन ऑन डिमांड, कॉम्पेंसेशन और डिमांड एन एक्शन फ्रॉम और अगेंस्ट एन ऑडिट फर्म, द लायबिलिटी शैल बी ऑफ द ऑडिट फर्म एज वेल एज सच पार्टनर इन्वॉल्व इन एनी रॉन्ग डूइंग और मिस रिपोर्टिंग। मतलब ऑडिट फर्म भी लायबल प्लस जो पार्टनर ने झोल किया है वो भी लायबल। पनिशमेंट है, दो टाइप की पनिशमेंट है ये वाले सेक्शन में। तो पहला है फेलियर टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, अगर ये जो ऑर्डर पास किया है वो आपने कंप्लाई नहीं किया तो कंपनी को फाइन है 5 लाख से लेकर 25 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स, एंड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फाइन 25,000 to 1 लाख, मतलब जेल प्लस फाइन। बहुत ही रेयर ऐसे ऑफेंसेस होते हैं, तो यहाँ पर जेल प्लस फाइन है, दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस वाइंडिंग अप चैप्टर की 337 से लेके 341 की पेनल्टीज भी लगेगी उसको। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ पनिशमेंट है फ्रिवलेस या वेक्सेशियस एप्लीकेशन के लिए, मतलब के फालतू का किसी को डिफेम करने के लिए, डिसरिस्पेक्ट करने के लिए अगर एप्लीकेशन फाइल किया तो ट्रिब्यूनल शैल रिजेक्ट दैट फॉर रिटन रीजंस, के भाई ये फालतू है वगैरह वगैरह, वो रिजेक्ट कर दो पहली बात तो। एंड ऑल्सो ऑर्डर एन एप्लीकेंट टू पे टू अदर पार्टी अ कॉस्ट अप टू 1 लाख, मतलब दूसरे पार्टी के अगेंस्ट आपने एप्लीकेशन फाइल करने का सोचा भी वेक्सेशियस या फालतू, तो भी तुमको 1 लाख तक का फटका पड़ सकता है, तो आप वो दूसरे पार्टी को 1 लाख पे करोगे जिसके अगेंस्ट आपने फालतू का एप्लीकेशन फाइल किया। एंड दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी, क्योंकि बैंकिंग कंपनी में इतने सारे डिपॉजिटर्स होते हैं, इट विल बी रियली इम्पॉसिबल कि अगर कोई भी छोटे से छोटे गलती हो गई तो यहाँ पर ऐसे ही डिपॉजिटर्स का नंबर 100 तो ऐसे ही हो जाए। सो बैंकिंग कंपनी को यहाँ से थोड़ा दूर रखेंगे। अगर मेंबर्स के केस में आपको ऑपरेस वगैरह हो रहा है तो बैंकिंग कंपनी के केस में 241 में जाओ चलेगा। फिर सेक्शन 246 है जो वाइंडिंग अप चैप्टर में पढ़ा जाएगा, कि 337 से लेके 341 सेक्शंस जो है रिलेटेड टू वाइंडिंग अप वो भी अप्लाई करेंगे ये पूरे चैप्टर में, प्रोसीडिंग्स जो हुई 241 से लेके 245 में उस। फिर चार केस लॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट केस लॉ है लीगल हायर ऑफ द डिसीज्ड शेयर होल्डर कैन फाइल एप्लीकेशन ऑन हिज और हर बिहाफ वेदर द लीगल हायर इज अ मेजोरिटी और माइनॉरिटी शेयर होल्डर और नॉट अ शेयर होल्डर। मतलब ये बोला कि जो शेयर होल्डर डिसीज हो गया ना उसका हमको कैपेसिटी देखना था कि क्या वो मेंबर था। हाँ, अगर वो मेंबर था तो उसके बिहाफ पे लीगल हायर फाइल कर सकता है, फिर चाहे वो लीगल हायर मेजोरिटी शेयर होल्डर हो, चाहे वो लीगल हायर माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो, या वो शेयर होल्डर हो ही नहीं, दैट इज इररिलेवेंट, वो एप्लीकेशन फाइल हो सकता है। फिर सेकंड केस लॉ है पर्सन वाज एक्टिंग एज मैनेजिंग डायरेक्टर विदाउट बीइंग अपॉइंटेड, ही डिस्चार्ज्ड ऑल द फंक्शंस, मतलब वो अपॉइंट नहीं हुआ था बट उसने सारे फंक्शंस किए एमडी के, वेदर द मेंबर्स न्यू और नॉट दिस वोंट बी ऑपरेशन, मतलब मेंबर्स को पता हो या नहीं पता हो, विदाउट बीइंग अपॉइंटेड कोई भी बंदा एमडी बना एंड उसने कोई भी जॉब वगैरह किया तो यू नो मेयरली बेस्ड ऑन दैट फैक्ट ऑपरेशन नहीं है, यू हैव टू प्रूव के कुछ फ्रॉड हुआ है। फिर नेक्स्ट केस लॉ है मेंबर्स फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर ऑपरेशन टू प्रूव देयर फैक्ट्स, मेंबर्स रिक्वेस्टेड द डायरेक्टर्स फॉर इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, मेयर डिनाइल बाय डायरेक्टर्स ऑफ इंस्पेक्शन विल नॉट बी ऑपरेशन। ये बात समझो ये केस में क्या हुआ था, तो मेंबर्स ने पहले ना एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया, दे अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल एंड उसके बाद वो लोग ने इसको प्रूव करने का ट्राई किया, तो ट्रिब्यूनल बोलता है कि पहले तुमने अप्लाई कर दिया तो हमने सोचा कि तुम्हारे पास प्रूफ है, फिर तुम उसको प्रूफ करने के लिए गए, प्रूफ करने के लिए तुमने क्या मांगा, तुमने इंस्पेक्शन मांगा, अब इंस्पेक्शन मांगा और डायरेक्टर्स ने समझो डिनाई कर दिया, मेयर डिनाइल हो गया, तो ये ऑपरेशन थोड़ी है। अगर तुमको कोई इंस्पेक्ट करने नहीं दे रहा है, इवन दो इट इज योर राइट, अगर तुमको कोई इंस्पेक्ट करने नहीं दे रहा है तो ये केस में ऑपरेशन किधर है, क्या इधर कोई फ्रॉड हुआ, क्या एज अ मेंबर तुमको कुछ अफेक्ट हुआ, नहीं ना। अगर मेयर डिनाइल हो रहा है तो दैट इज नॉट ऑपरेशन। व्हाट यू शुड हैव डन इज आपको पहले ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करना चाहिए था, आपको पहले सब प्रूफ कलेक्ट करना चाहिए था, यू कलेक्ट द प्रूफ एंड देन यू शुड हैव कम टू अप्लाई। तो यार इफ पहले आपने अप्लाई कर दिया फिर आप प्रूफ ढूंढने के लिए आप रिक्वेस्ट करते हो कि भाई प्लीज इंस्पेक्शन करने दो और डायरेक्टर ने मना कर दिया तो दिस इज नॉट ऑपरेशन। आपने पहले किसके लिए ऑपरेशन के लिए फाइल किया आप वो प्रूफ करो पहले। एंड लास्ट केस लॉ, तो डायरेक्टोरियल कंप्लेंट्स आर नॉट एंटरटेन
बट दोज कैन बी एक्सेप्टेड इफ इट इज अ कॉम्पोजिट वन, मतलब इनकैपेसिटी ऑफ अ मेंबर प्लस डायरेक्टर, अगर आप मेंबर भी हो डायरेक्टर भी हो, एंड द कंपनी रन्स इन द नेचर ऑफ अ कॉजी पार्टनरशिप. कॉजी पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, अ लिमिटेड कंपनी रन एज इफ इट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कंट्रोल. तो नॉर्मली ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा होता है कि समझो मिस्टर ए बी एंड सी है और ये तीनों का वन थर्ड कैपिटल का रेशियो. ये लोग जो भी करते हैं, ये लोग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन भी वन थर्ड में विड्रॉ करते हैं, ये लोग समझो कंपनी को लोन देना होता है तो भी वन थर्ड में देते हैं, लोन रीपेमेंट करना होता है तो भी वन थर्ड में करते हैं. दे डू एवरीथिंग विच इज एविडेंट कि भाई ये तो पार्टनरशिप फॉर्म जैसे ही है, सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड का एक टैग दिया है. तो अगर आप ऐसा प्रूव कर देते हो कि ये कॉजी पार्टनरशिप है, मतलब इट इज लाइक अ पार्टनरशिप फॉर्म, एंड समझो अगर ये मिस्टर सी है, समझो इसको दिक्कत हो रही है एज अ डायरेक्टर, समझो इसका डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन जो है वो 1 लाख है, बट ये दोनों का 2-2 लाख फॉर एग्जाम्पल, ये 2 लाख प्लस 2 लाख. तो अगर इसको दिक्कत हो रही है यहाँ पर कि मेरा रेम्यूनरेशन ये लोग दोनों ने कम कर दिया है बिकॉज ये दोनों ने वन थर्ड मतलब कि 66.66% ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वगैरह पास करके मेरा रेम्यूनरेशन कम रखा, तो ये केस में ऑपरेशन माना जाएगा एंड योर कंप्लेंट विल बी एक्सेप्टेड. तो अगर आप डायरेक्टर हो और अगर आपको कंप्लेन करना है तो फर्स्ट शुड बी दिस कॉम्पोजिट नेचर, मतलब के मेंबर प्लस डायरेक्टर का कैपेसिटी, एंड सेकेंड इट शुड बी अ कॉजी पार्टनरशिप, मतलब यू शुड प्रूव कि हाँ ये तो पार्टनरशिप जैसे ही है, सिर्फ नेम टैग ऐसा है कि ये प्राइवेट लिमिटेड है. सो दिस वॉज ऑपरेशन एंड मिस.